मैं नहीं बोल रही आपसे। अरे तो गाइस चने की खेत में ना चने भी अच्छे से हो रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं ना घर में गेहूं काटने में, मसूर को चूटने में ही उलझी रखी थी। तो टाइम ना गेहूं भी चूटने हैं और बाहर ना बहुत तेज धूप लग रही है और चने का जो गट्ठर है ना मेरे को बहुत ज्यादा भारी हो गया था। भारी फटाफट से ना यहाँ पे ऐसे चूट लेते हैं जैसे आइसक्रीम पापा चूट रहे हैं। आगे कल शाम जंगली सुअर ने इतने गेहूं खा रखे हैं, ऐसे तोड़ रखे हैं, देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र से। सबसे पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पलक और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे चने के खेत से। मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, आज मैं ना सुबह सुबह 8 बजे ना चने के खेत में आई हूँ चने काटने के लिए। और जो जो चने के पेड़ हो रखे हैं फटाफट से उनको काट लेती हूँ। और फिर ना धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, तो आप लोग मेरी छोटी मोटी वीडियो पे अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस चने की खेत में ना चने भी अच्छे से हो रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं ना घर में गेहूं काटने में, मसूर को चूटने में ही उलझी रखी थी। अभी सुबह के 8 बजे भी इतना धुआं धुआं हो रहा है, तो 10 बजे ना बिल्कुल पूरा बंद जैसा हो जा रहा है। और बाकी ना खेतों में थोड़े थोड़े गेहूं और हैं, तो बाकी नीचे वो वाली ताई जी लोग आ रखे हैं, वो भी वहां से चने काट रहे हैं। तो मैं भी फटाफट से अपने खेत से चने काट लेती हूँ। और यह है मेरी दराती। कौन बैठेगा गोदी में? कौन बैठेगा? टाइसन बैठेगा। ओ जा, टाइसन बैठेगा गोदी में और मार भी खाते रहेगा, है ना? मार भी खाएगा। चलो नीचे जाओ, हटो, मैं नहीं बोल रही आपसे। अरे इसकी आदत ना बच्चों ने ऐसी ही बना रखी है, जब कोई भी बैठता है तो सीधे उसकी गोद में चले जाता है। बच्चे ना बहुत ज्यादा प्यार से बोलते हैं इससे। अब ना यहीं पे सो गया है, मेरे को यहाँ पे बैठे देख के ना यहीं पे सो गया है। तो गाइस फटाफट से अब दोपहर का लंच बनाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना गेहूं भी चूटने हैं और बाहर ना बहुत तेज धूप लग रही है और चने का जो गट्ठर है ना मेरे को बहुत ज्यादा भारी हो गया था। चने भी घर में लाई, एक तो कच्चे वाले थे, कच्चे वाले तो बहुत ही भारी होते हैं, आपको पता ही है। तो अब फटाफट से दोपहर का लंच बनाने का इंतजाम करती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ। आज ना आयुष भी स्कूल गया है, कल से ना उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, आज उसका ना दूसरा दिन है स्कूल का, अभी तो स्कूल गया ही गया है। तो फटाफट से दोपहर का लंच बनाती हूँ और थोड़ी देर बैठ भी गई हूँ, कपड़े वपड़े भी धोए वहां से आके, हाथ मुंह धोया और क्या किया, बकरियों को देखा, उनको घास आस दिया, मतलब हो ही जाता है छोटा मोटा, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो अब फटाफट से दोपहर का लंच बनाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ। क्या हो गया, जहां जाती हूँ वहां आता है, देखो। तो उसके बाद मिलूंगी आप सभी को। तो गाइज मैंने यहाँ पे ना पूरे बरामदे में चने फैला रखे हैं धूप में, और यहाँ पे ना अम्मा जी भी लग रखे हैं अपने काम पे, और ना क्या कर रहे, गेहूं से पत्थर निकाल रहे। इसमें है राई, इसका रायता बनता है, और ये है सरसों। तो सुबह से ना यहाँ पे बैठ के ना बस यही कर रहे हैं ये, और बंदर आएंगे तो इनका भगाने का काम है। और रश्मि ने ना यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी धो के ना धूप में डाल दिए हैं, और नीचे आंगन में आप देख सकते हैं पूरे गेहूं मैंने सुखाने के लिए सुबह से डाल रखे थे, हल्के फुल्के से सूख गए हैं। और वहाँ पे ना अमन बैठ रखा है आज, ये देखिए मसूर को देखने लीजिए, अमन बैठ रहा। और गाइस फाइनली हमारा लंच भी एकदम से बन के रेडी हो गया है, ये है चटनी, थोड़ा बहुत खीरा, और यहाँ पे ना आयुष, नहीं सॉरी अभी खा रहा, अभी आयुष तो अभी तक आया नहीं है, है ना? कैसी हो रही दाल? जल्दबाजी में बना रखी थी, अच्छी हो रही? 10 में से 8 मार्क्स। वैसे तो देखो दूध बाहर अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से यहाँ पे लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को। शाम के 3 बज चुके हैं और हम लोगों ने लंच करने के बाद ना थोड़ा बहुत आराम किया। आराम करने के बाद जैसे अब गेहूं चूटते हैं सोचा, तो वैसे ही ना मौसम यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गया, एकदम से बारिश आने वाला जैसा मौसम हो गया है। तो अब फटाफट से ना गेहूं उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, धूप आएगी तो कल भी गेहूं चूट लेंगे आराम से। तो अभी फटाफट से मैं और आयुष के पापा भी आ ही गए हैं घर में। तो जो गेहूं है आधे ऊपर आयुष के पापा ने रख दिए हैं यहाँ पे, और आधे रखते हैं, और अगर बारिश नहीं आएगी तो ये वाले चूटने हैं हमको इस साइड पे, इनको चूटते हैं। बाकी चने मैंने ऊपर उठा लिए हैं। और कुछ ऐसा मौसम हो गया है, खड़म भड़म कर रहा है, और यहाँ पर ना अभी भी बैठ रखा है। तो फटाफट से ना यहाँ पे ऐसे चूट लेते हैं जैसे आयुष के पापा चूट रहे हैं।
गेहूं भी उठा लिए हैं, चने भी उठा लिए हैं, मसूर भी उठा लिए हैं, हड़बड़ाहट से फटाफट से उठाए। हमने सोचा कितनी जो बारिश आती है करके, हल्की फुल्की सी बारिश आई, फर्श भी अच्छे से गीला नहीं हुआ, मतलब पाथर भी अच्छे से गीले नहीं हुए। 4:30 बजने वाले हैं, चाय पानी भी पी लिया हम लोगों ने। मेरे को जाना है खेत में गेहूं काटने के लिए, लेकिन मैं खेत में जाऊं नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आप लोग अभी भी देख सकते हो, आजकल के मौसम का ना कोई भरोसा नहीं होता है। अचानक से बारिश भी आ जाती है, अचानक से ना ओले भी गिर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं खेत में गेहूं काटने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं करके, तो थोड़ा बहुत और वेट करती हूँ। बारिश आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो फिर से खेत में गेहूं काटने के लिए चले जाऊंगी। बारिश भी नहीं आई और मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पे अपने गेहूं के खेत में। गेहूं भी ना थोड़े थोड़े करके हो रहे हैं। आगे कल शाम जंगली सुअर ने इतने गेहूं खा रखे हैं, ऐसे तोड़ रखे हैं देखिए। तो इसीलिए जितने जितने गेहूं पीले पीले हो रहे हैं ना, उतने उतने हम लोग काटते काटते जा रहे हैं। तो फटाफट से इनको भी ना काट लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ सीधे घर की तरफ। और मौसम का ना वही हाल है, आज ना कोई नहीं आया है खेतों में। यहाँ मैं गेहूँ काट के भी घर में, और फिर भी ना मौसम वैसा ही है, और थोड़ी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी खेत में भी हुई और गेहूं भी भीग गए थे। और अभी ना बारिश अच्छे से आ भी नहीं रही है और मौसम भी नहीं खुल रहा है। तो अब मैं काटती हूँ फटाफट से ना बकरी के लिए चारा। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में आके मैंने यहाँ पे सब्जी भी बना लिया। पहले बस चाय पानी पी, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ाई और सब्जी बन के ना रेडी भी हो गई है। आज है हमारे करेले की सब्जी। जैसे ना मौसम ने बहुत सारे रंग बदले, अभी यहाँ पे हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, और यहाँ पे बारिश की वजह से ना थोड़ा बहुत ठंडा भी होने लग गया है। और मैंने यहाँ पे ना खिड़की दरवाजे भी बंद कर लिए हैं, एकदम से ठंडी वाली हवा आ रही है अंदर की तरफ। तो चलिए जी, अब फटाफट से रोटियां वोटियां बनाती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवी उत्तराखंड। पहला